हजूर, मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ पे हमारी एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मामो है, मेडिकल अहमदिया मुस्लिम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन लजना की तरफ भी है, जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं और भी सारे जितने भी शोबे हैं उनके लोग भी हैं। तो आप लजना की बहसियत से हमें क्या रहनुमाई देंगे कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या कर सकते हैं यहाँ जर्मनी में? क्या कर सकते हैं जब के बनाया नहीं हुआ बाइलाज या असूल जवाबत या लाए अमल बनाया नहीं हुआ? हजूर, अभी हम एक साल हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा एक्टिव। मेडिकल एसोसिएशन में ये है कि आप लोग, एक तो ये है कि जो मेडिकल एसोसिएशन है उसमें वक्फे अर्जी के लिए जाएं, ठीक है? अफ्रीका में हमारे अस्पताल है वहाँ जा सकते हैं, एमडी डॉक्टर वक्फे अर्जी के लिए फजल उमर अस्पताल रब्बा में जा सकती हैं, कादियान में जा सकती हैं और इस तरह वक्फे अर्जी करें। एक तो दूसरा ये है कि गरीबों के लिए जो पैसे कमाने वाली हैं तो गरीबों के स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप भी जारी कर सकती हैं, ठीक है? एसोसिएशन जो है तो अमूमी तौर पर कैंप लगा के खिद दखल के काम यहाँ भी कर सकती हैं। हजूर, ग्रीस में रेफ्यूजी कैंप्स हैं, वहाँ पे भी वहाँ जा कहीं भी होंगे रेफ्यूजी कैंप में जाके कर सकते हैं काम। जी, जज़ाकअल्लाह।